जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित साहू अयोध्या से आप लोग का वेलकम करता हूं एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और आज मैं आपको अपडेट दूंगा रामपथ मार्ग का। टेढ़ी बाजार चौराहा है जहां पर प्रेजेंट टाइम पर मैं हूं, और यहां से लगभग आपको मैं आखिरी तक अपडेट दूंगा, कहां तक, लता मंगेशकर चौक तक। और इन बीच में मैं देखना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि और कितना काम आगे बढ़ा है ना। बने रहिएगा कंटिन्यू इस ब्लॉग के एंड तक। इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। आपका एक प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें तो कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, जो जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है अभी। और देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन की आगे काम चल रहा है ना। पंकज ऑटोमोबाइल कानपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ की कंपनियाँ इस रोड को बनाने का काम कर रही हैं और किस तरीके से इस रोड का निर्माण चल रहा है ना। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इन पर गिट्टियाँ लदी हुई हैं, आप देख सकते हैं। उनका कोई विशेष इस रोड पर अभी काम नहीं है, हो सकता है कि राम मंदिर में जाए। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आगे कंटेनर खड़ा हुआ है इस पे जो वाइट आप देखने को मिल रहा है, इसमें राम मंदिर की शिलाएँ रखी हुई हैं जो राजस्थान से आ रही हैं। और इसमें भी शिलाएँ हैं जो राम मंदिर में जाएंगी लगने के लिए। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली ऐसी कितनी शिलाएँ आती हैं जो राम मंदिर में लगती हैं। बहुत ही तेज़ी से हमारे राम मंदिर का काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये तमाम प्रकार की सिलाई आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आपको हम अपडेट देते हैं रामपथ मार्ग का। और रामपथ मार्ग पर ही इसी तरीके से ये कंटेनर खड़े रहते हैं, है ना। बारी बारी से नंबर आता है तो ये अंदर जाते हैं। यहाँ श्री राम हॉस्पिटल है ना, श्री राम हॉस्पिटल के बाहर देखिए क्या कंडीशन है रामपथ मार्ग का, आप देख सकते हैं ये। और ये क्षीरेश्वर महादेव शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए श्री राम हॉस्पिटल जो कि राम पथ पर ही है, यदि आपको कोई निशुल्क सेवा चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, एक रुपए की पर्ची प्लस आपका उपचार होगा, है ना। और ये भी रोड जो है रेलवे स्टेशन को जाता है, रेलवे जंक्शन अयोध्या जंक्शन को, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो अयोध्या जंक्शन है वो लगभग 200-250 मीटर अंदर को पड़ता है ना। ये जन्मभूमि पथ मार्ग है, आप देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 600 मीटर का बना हुआ है, जन्मभूमि दर्शन को जा सकते हैं आप। देखिए रास्ते को ब्लॉक किया गया है क्योंकि हो सकता है सरयू जी में नहान हो, मुझे कन्फर्म नहीं पता है, इसीलिए इतना ज़्यादा भीड़ है मुझे लगता है। और गाइस मैं पहुंचने वाला हूं हनुमान गढ़ी, पहुंचने वाला हूं क्या, ये ऊपर का जो सिरा आपको दिख रहा है ये हनुमान गढ़ी ही है। और देखिए तमाम प्रकार के श्रद्धालुगढ़ आपको देखने को मिलेंगे अयोध्या में, आज खचाखच भरा हुआ है। और पुलिस तैनात है। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये आपको जो है भक्ति पथ मार्ग देखने को मिलता है, ये भी जो है हनुमान गढ़ी को दर्शन के लिए जाता है। कनक भवन जाना चाहें आप या राम मंदिर, कहीं भी जा सकते हैं। महल ये सामने आपको देखने को मिल रहा है, ये राजा का महल है, आप देख रहे होंगे। ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है, झंडा फहरा रहा है। और चलिए आज भी यहाँ पे राजा जो है अयोध्या के वो यहाँ रहते हैं, है ना। तो अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। देखिए हम कोतवाली अयोध्या पहुँच चुके हैं, और इसके सामने देखिए क्या कंडीशन है रोड का। अब जो दुकानें बंद हुई थी ना, वो दुकानें अब प्रॉपरली लगने लगी, आप देखिए। नहीं तो कुछ महीने तो इन लोग का
धंधा ही बंद हो गया था। बहुत ज़्यादा पब्लिक है रामपथ मार्ग पर, आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। अयोध्या सरयू किनारे इतना ज़्यादा भीड़ होगा कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पर जो है रोड देखिए, और यहाँ पर जो घर टूटे हुए थे ध्वस्तीकरण में, वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना गाइस, ये आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीट लाइटें वो बहुत ही एक तरफ से बहुत अच्छी लगेगी देखने में, जब लगेंगी तो ज़रूर दिखाया जाएगा आपको इस ब्लॉग के ज़रिए, है ना। उसके लिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ब्रो। और देखिए अब थोड़ा सा खाली रास्ता मिला है तो चलते हैं, और सब घर को ध्यान दीजिए, कितने कितने पुराने मकान हैं ना आपको देखने को मिल रहे हैं जो, और किस तरीके से जो है टूटे हुए हैं। और थोड़ा सा और बचा है, मैं तुलसी उद्यान पहुँच चुका हूँ, और यहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ कि अरे भाई बहुत तगड़ी भीड़ है, ये आप देख सकते हैं कितनी भयानक भीड़ है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तुलसी उद्यान है, बहुत बड़ा पार्क है, है ना, यहाँ पर विश्राम किया जा सकता है आकर के, अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। देखिए कॉमन कोर्ट बिल्डिंग जो बन रहा है या बनेगा जो, वो इस डिज़ाइन में रहेगा, ये आप देख सकते हैं, अभी कलर नहीं हुआ है। और एक यहाँ पर भी बना है, गेस्ट हाउस है ये, इसमें कॉमन कोर्ट बिल्डिंग डिज़ाइन हो चुका है। देखिए यहाँ पर पानी निकालने का काम किया जा रहा है मशीन द्वारा, आप देख सकते हैं। देखिए हम कहाँ आ गए, पहुँचने वाले हैं लता मंगेशकर चौक। और उससे पहले देखिए ये पुराने पुराने मंदिर कैसे टूटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जगह जगह पर आपको ये साउंड लगा हुआ दिखेगा, हारन, क्योंकि कोई मेला है मुझे लगता है, मुझे पता ही नहीं क्या है। देखिए हम लता मंगेशकर चौक पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले गाइस ये अगर आप राम पैड़ी जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, ये रोड बना हुआ है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो या आगे से भी जा सकते हो, तमाम रोड है जो राम की पैड़ी को जाता है। और ये आपको लता मंगेशकर चौक देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, इसको अब बंद कर दिया, पहले अंदर लोग जाते थे लेकिन प्रेजेंट टाइम पर इसको बंद कर दिया गया है ना। तो इस तरीके से मैंने आज आपको अपडेट दिया रामपथ मार्ग का, जो कि टेढ़ी बाजार से लता मंगेशकर चौक तक दिया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत।